जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान RBL में। दोस्तों आपको पता है कि आपके UPSI के जो एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक हैं, ठीक है, लगभग एक ही महीने का समय बचा है। और हमने आप लोगों से कहा था, कल एक वीडियो हमने बनाई थी कथन तर्क पर, ठीक है, और हमने आपसे बोला भी था कि अगर आप लोग इससे प्रभावित होते हैं, यानी आप लोगों को समझ में आता है, तो अगर आप लोग कहते हैं हम इसका दूसरा पार्ट भी लेकर आएंगे। तो दोस्तों आप लोगों ने बहुत अच्छे कमेंट किए और बहुत अच्छा रिस्पांस भी दिया है, ठीक है। तो उसके लिए दोस्तों हमने बोला था कि हम दूसरा पार्ट लेकर आएं, जिसमें हम UPSI के ही क्वेश्चन देखेंगे जो पिछली बार पूछे गए थे। दोस्तों आज हम इसमें यही देखेंगे। और हमने थोड़ा सा सोचा है कि जब तक आपके पेपर नहीं होते हैं, तब तक दोस्तों जो आपके रीजनिंग में कुछ अलग से चैप्टर होते हैं, खास करके UPSI में, तो उनको तो हम अच्छी तरह से पढ़ ही लें। जैसे आपको पता होगा कि इनपुट आउटपुट होता है ना, और निर्णय निर्धारण होता है, आंकड़े पर्याप्तता वाले होते हैं, कथन तर्क हो गए और कथन पूर्ण अवधारणा हो गए, ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों वेन आरेख भी थोड़ा सा, ये तो आप समझ जाते होंगे, मगर फिर भी दोस्तों अपने तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। कथन एवं प्रभाव हो गया, हालांकि कथन एवं प्रभाव पूछे नहीं गए थे पिछली बार, मगर हो सकता है इस बार पूछ ले जाए कथन कार्यवाही। दोस्तों तो इस तरह के चैप्टर जो हैं कुछ अलग से हैं, जो दोस्तों उनको हम इसमें पढ़ने की कोशिश करेंगे, अगर आप लोग मतलब साथ देते हैं तो, ठीक है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को दोबारा से। एक बार हम दोबारा से आपको बता दें दोस्तों कि इसमें करना क्या होता है, कथन और तर्क, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट, ठीक है, स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट्स ना। तो देखिए इसमें होता क्या है कि हमने बताया है कि कथन का, देखिए कोई कथन दिया होगा एक और उसके दो तर्क दिए होंगे। अगर कथन का तर्क से संबंध है तभी वो सही होगा, अगर अगर कथन से तर्क का कोई संबंध नहीं दोस्तों तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। और आपको कथन को ही 100% सत्य मानना है, ऐसा नहीं दोस्तों कि कथन कह दिया गया, कथन अगर कथन कह दिया कि भारत की राजधानी दिल्ली मतलब लखनऊ है, ठीक है, तो आपको लखनऊ ही मान के चलना, ऐसा नहीं अपना दिमाग मत लगा देना कि कथन में गलत लिखा, कथन गलत कर दो, ठीक। कथन से कोई मतलब, कथन तो एक कहने की चीज है कि उसके आधार पर आपको बताना है, ठीक है। देखिए जैसे कह देगा, उसने कह दिया दोस्तों कथन में, हालांकि ऐसे कहेगा नहीं, मगर अगर कह भी देता है तो आपको समझ रखना है, अगर उसने कह दिया कि भारत की राजधानी क्या है, लखनऊ है, ठीक है, कथन में कहा गया कि भारत की राजधानी लखनऊ है, अब तर्क क्या क्या दिया गया कि लखनऊ भारत में स्थित है, तो हाँ भाई बिल्कुल सही है, क्योंकि हमें देखिए उससे विवाद नहीं करना, कथन से कभी विवाद नहीं करना, कथन अपने आप में पूर्णतः सत्य मानना है, चाहे वो गलत हो आपके हिसाब से या चाहे सही हो, उसे हमेशा सही मान के ही मुझसे आंसर देंगे। और दूसरी चीज क्या है कि कथन जो है दोस्तों उसका संबंध तर्क से होना चाहिए, नहीं तो तर्क गलत हो जाएगा, ठीक है। और दूसरी चीज हमने क्या बताया था कि जहां पर दोस्तों सिर्फ लगा हो, केवल लगा हो, है ना, यही एक ऐसे सेंटेंस तो बिल्कुल ही गलत मान ले जाते हैं। जैसे आपसे कह देगा दोस्तों, जैसे आपसे कहा गया कि दोस्तों कोरोना कोरोना से बचाने के उपाय क्या हैं, तो जैसे आपको कथन किया गया कि कोरोना से बचने के उपाय क्या है, तो दोस्तों कह देगा इसका केवल उपाय क्या है कि 2 गज की दूरी, है ना, केवल उपाय क्या है, 2 गज की दूरी दोस्तों, तो ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि दोस्तों केवल 2 गज की दूरी ही नहीं उपाय होता है, बहुत सारे उपाय होते हैं, किसी भी चीज़ के कई सारे उपाय होते हैं, जैसे भैया वैक्सीन लगवाना होगा उपाय, ठीक है, या फिर दोस्तों हाथ नियमित रूप से धुलना, है ना, और दोस्तों 2 गज की दूरी और मास्क लगाना, तो इस सब चीज़ों समझिएगा कि सिर्फ केवल यही ये सब गलत हो जाते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है कि हम किसी भी देश से तुलना नहीं करेंगे, किसी भी देश से तुलना नहीं करेंगे, किसी भी चीज़ से तुलना हम नहीं करेंगे कथन की, ठीक है। जैसे कह दिया गया दोस्तों कि क्या हमें अंग्रेजी शिक्षा लागू करनी चाहिए, क्या हमें अंग्रेजी शिक्षा अपने स्कूलों में लागू करनी चाहिए, कथन आ गया हाँ बिल्कुल लागू करनी चाहिए, क्योंकि अमेरिका इसको लागू कर चुका है, तो दोस्तों बिल्कुल गलत हो जाएगा। देखिए हमें पता है अंग्रेजी शिक्षा लागू करनी चाहिए, कोई भी शिक्षा लागू करनी चाहिए, मगर हम किसी देश से तुलना नहीं करेंगे, भैया अमेरिका ने लागू कर दिया, जरूरी थोड़ी हम भी लागू करें, ठीक है, मतलब कि किसी के से हम तुलना नहीं करेंगे दोस्तों, ठीक है, बिल्कुल नहीं करेंगे, ये चीज़ आप समझ लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, आपको पता है इसमें 4 ऑप्शंस भी होते हैं दोस्तों, अगर पहला तर्क सही होगा तो पहला हम कर देते हैं, दूसरा तर्क सही दूसरा, तीसरा तर्क अगर दोनों सही है दोस्तों तीसरा लगा देते सी, और फिर चौथा मतलब दोनों सही नहीं है तो चौथा लगाते, हालांकि इसमें आपको खुद ही आंसर दिए हुए मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, आज हम 10 क्वेश्चन देखेंगे, अगर आपको पसंद आता फिर से हम 10 क्वेश्चन इसके लेके आएंगे। अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ये आपके अभी हाल ही का है दोस्तों, आपको पता है कि जो मृतक आश्रित पेपर हुए हैं, ठीक है, UPSI के मृतक आश्रित दोस्तों, उसी का हम क्वेश्चन लेकर के आ चुके हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि प्रश्न में एक कथन और उसके दो तर्क दिए गए हैं, आपको
प्रासंगिक विकल्प चुनकर यह तय करना होगा कि दिए गए तर्कों में से कौन सा तर्क मजबूत और कौन सा कमजोर है। पहला है कि क्या छात्रों को आसानी से पैसे कमाने के लिए जुए की लत लगनी चाहिए। देखिए समझिएगा, यहाँ पे कहा जा रहा है कि क्या छात्रों को आसानी से पैसे कमाने के लिए जुए की लत लगनी चाहिए। अब देखिए ये कथन है आपका, अब देखिए आपको तुरंत सोच के आ रहा होगा भाई जुआ क्या होता है, जुआ एक गलत चीज़ है। देखिए आपको तुरंत समझ में आएगा कि भैया जुआ क्या होता है, जुआ तो गलत चीज़ है, और खास करके दोस्तों छात्रों के लिए तो इससे दूर ही रहना बेटर है ना। तो आपके दिमाग में खुद ही कुछ ना कुछ आ रहा होगा। अब देखिए अब हम चलते हैं इनके तर्क की तरफ। दोस्तों तर्क क्या कहता है, हाँ जुआ एक मनोरंजक गतिविधि है। नहीं भैया ये किसने कह दिया मनोरंजन, दोस्तों मनोरंजन के साथ साथ दोस्तों ये क्या है, एक तरीके का दोस्तों अनलीगल भी खेल है ना जुआ। आपको पता होगा जुआ खेलते पकड़े जाओगे दोस्तों पुलिस उठा के ले आती है ना, तो ये तो बिल्कुल गलत है दोस्तों। मनोरंजक गतिविधियां नहीं हो सकता दोस्तों, ये एक लत लग जाती है, ये चीज आप सोच सकते हैं। और दूसरा है नहीं जुआ एक प्रकार का टाइम पास करने वाली गतिविधि, दोस्तों ये भी बिल्कुल गलत है, टाइम पास थोड़ी ना हो रहा है इससे, ठीक है। यहाँ तो लत लग जाती है दोस्तों, टाइम पास करते करते एक इसके आदि से हो जाते हैं, और आपको पता है जुआ से फिर भैया कोई बचा ही नहीं। तो दोस्तों हमें लग रहा है कि दोनों कथन क्या है, गलत है दोस्तों। तो आप समझ सकते हैं कि दोस्तों क्या हो जाएगा, देखिए तो इसमें क्या है, केवल एक मजबूत दोस्तों एक गलत ये था, दूसरा मजबूत दोस्तों दूसरा भी गलत था, और दोनों मजबूत दोस्तों ये भी गलत था। तो आपको पता है चुने यदि ना तो एक सही है ना ही दो दोस्तों, तो हमारा यही बिल्कुल सही। अब देखिए चौथा ऑप्शन सही, और चौथा ऑप्शन देख इसमें रखा दोस्तों, तो आपको पता है देखिए चौथा ऑप्शन में देखिए देख इसमें रखा ए में है चौथा, तो यही वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। आपको समझ में आया होगा ठीक है, कि दोस्तों किसी चीज के बारे में आपको पहले उसको समझना है, सोच विकसित करनी है, तब आपको उसका आंसर देना, एक बार की नहीं देना, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब देखिए कहा गया है कि निम्नलिखित कथन पढ़ें और जवाब दें कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है दोस्तों मजबूत है। क्या दोस्तों कि कौन सा कथन मजबूत है। देखिए पहला क्या कहा गया कथन, जब कोई टेनिस खिलाड़ी, समझिएगा, और देखिए यूपीएसआई का क्वेश्चन है 16 दिसंबर 2017 के प्रथम बैच का, ठीक है। कहा गया जब कोई टेनिस खिलाड़ी अपने 30वें दशक ठीक है के पूर्वार्ध में हो तो उसे सेवा मतलब निवृत्त तो होना पड़ता है दोस्तों। निवृत्त मतलब क्या होता है, संन्यास ले लेना, ठीक है, सेवा निवृत्त मतलब संन्यास ले लेना दोस्तों। अब पहला तर्क क्या कह रहा है, इसमें कहा गया क्या मतलब कि जब कोई टेनिस खिलाड़ी दोस्तों अपने 30वें ठीक दशक के पूर्वार्ध में हो, पूर्वार्ध मतलब पहले में ना, तो उसे निवृत्त होना चाहिए। देखिए तर्क क्या कह रहा है, नहीं पेशेवर खिलाड़ी को खुद तय करना चाहिए कि उसे कब निवृत्त होना है। देखिए एक चीज आपको बता दें दोस्तों, ये चीज तो बात सही है दोस्तों कि अगर देखिए मान लिया सचिन है, आपको पता होगा कि सचिन एक बहुत बढ़िया खिलाड़ी थे दोस्तों, वो जब चाहते थे तब तक खेलते थे ना, मतलब संन्यास तो इंसान अपने मर्जी से लेता ना, कोई जबरदस्ती थोड़ी संन्यास दिलाता भैया आप संन्यास लो। तो ये तो बिल्कुल सही कथन लग रहा है भैया कि पेशेवर खिलाड़ी को खुद तय करना चाहिए कि उसे कब निवृत्त होना है, तो ये हमें तर्क मजबूत सा लग रहा है, ठीक है। अगला है, नहीं ऐसे कितने खिलाड़ी हैं जिन्होंने अपने 30वें दशक के पूर्वार्ध में लगातार अच्छा प्रदर्शन किया। दोस्तों ऐसे कितने खिलाड़ी हैं, ये खुद पूछ रहा है कितने खिलाड़ी दोस्तों, इसमें ये नहीं बताया। हाँ ऐसे बहुत से खिलाड़ी हैं, ऐसे काफी खिलाड़ी हैं कि जिन्होंने अपने 30वें दशक के पूर्वार्ध में अच्छा प्रदर्शन किया। दोस्तों ऐसा होता तो कहना कि हम सच मानते इसको, मगर दोस्तों इसने पूछा ऐसे कितने ही खिलाड़ी हैं, कितने ही मतलब हमें समझ में नहीं आ रहा दोस्तों। तो इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं दोस्तों हमें केवल और केवल एक ही कथन मजबूत लग रहा है, पहला ही कथन मजबूत लग रहा है दोस्तों। तो ये वाला हमारा सी ऑप्शन दिखा रहा है, केवल तर्क एक मजबूत दोस्तों, पहला तर्क मजबूत लग रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन तक पढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि दिए गए प्रश्न में से एक कथन के बाद दो तर्क और तर्क ए और तर्क शामिल दो बी शामिल है दोस्तों, आपको तय करना है इनमें से कौन सा तर्क मजबूत है। चलिए अब देखिए ये भी आपका कब पूछा गया था, 16 दिसंबर 2017 को सेकंड शिफ्ट में, क्या 16 दिसंबर 2017 के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन, और क्वेश्चन भी दोस्तों लाजवाब है। देखिए आपको पता यूपीएसआई में जो भी क्वेश्चन पूछे गए एकदम लाजवाब थे, ये चीज आपको भी पता होगा, ठीक है होगा, ठीक है। चलिए अब देखिए पहला कथन क्या है, क्या भारत में जो नेता नहीं है उन्हें जेड सुरक्षा दी जानी चाहिए। दोस्तों आपको पता है जेड सुरक्षा किसको दी जाती है, बहुत ही तगड़े व्यक्ति को, ठीक है। मतलब इसमें कहा गया है क्या भारत में जो नेता नहीं है उन्हें जेड प्लस सुरक्षा दी जानी चाहिए। अब देखिए हाँ देखिए जो नेता नहीं मान लिया आम आदमी है उनको क्या जेड प्लस सुरक्षा देनी चाहिए। अब देखिए आप खुद सोचिए, देखिए क्या हमको जेड प्लस सुरक्षा मिल सकती है। देखिए तर्क क्या कहता है, हाँ अगर जरूरत पड़े तो। भैया
अगर जरूरत पड़े तो इस तरह, अगर दोस्तों जो नेता नहीं दोस्तों अगर सबको हम देने लगे, आम नागरिक को जेट प्लस सुरक्षा देने लगे, कहाँ से लाएंगे इतनी जेट प्लस सुरक्षा? आपको पता बहुत खर्चा लगता है दोस्तों जेट प्लस सिक्योरिटी में, जेट सुरक्षा में दोस्तों बहुत ज़्यादा खर्च आता है दोस्तों। ये तो बिल्कुल गलत लग रहा है कि हाँ अगर जरूरत, भैया अगर जरूरत पड़े दोस्तों इसके अलावा भी तो बहुत सारे सुरक्षा है दोस्तों, पूरी सुरक्षा दे दो। मान लिया हमें जरूरत पड़ी किसी कारण, हमको लग रहा है कि आशंका दोस्तों किसी भी चीज़ की, 16 तारीख का देखिए क्वेश्चन है, तो भैया पहले पुलिस की सुरक्षा दे दो, फिर दोस्तों मान लिया और थोड़ा सा ज़्यादा दोस्तों तो सीआरपीएफ की सुरक्षा दे दो, है ना दोस्तों। बहुत सी चीज़ें हैं सुरक्षा दोस्तों, जरूरी थोड़ी सीधा जेट प्लस सुरक्षा दे दी जाए, जेट सुरक्षा दे दी जाए, है ना। तो कहीं ना कहीं दोस्तों पहला कथन तो बिल्कुल हमें गलत ही लग रहा है, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्या कह रहा है कि नहीं, मतलब क्या कह रहा है कि नहीं भैया जेट प्लस सुरक्षा नहीं देनी चाहिए, क्यों? क्योंकि ये करदाता के पैसों की बर्बादी दोस्तों। हाँ बिल्कुल सही दोस्तों, आपको पता है जो कर जमा करते हैं दोस्तों उसी से सारा देश चलता है, जो कर दिया जाता है दोस्तों टैक्स उसी से सरकार चलती है। तो दोस्तों अगर हम सबको जेट प्लस सुरक्षा ही देते रहेंगे तो दोस्तों ये करदाता के पैसों की बर्बादी ही तो होगी, ठीक। आप खुद सोच देखिए कि करदाता के पैसों की बर्बादी तो होगी, तो दोस्तों हम क्या कह सकते हैं कि हमारा पहला कथन तो गलत है, ठीक है। अब देखिए इसको बच्चे सही करके आ जाएंगे, हाँ भैया जरूरत पड़े देनी चाहिए। अरे जरूरत पड़े तो किसको दे देंगे भैया, सबको थोड़ी दे देंगे, है ना। जेट प्लस सुरक्षा जो जेट सुरक्षा होती है सबके लिए थोड़ी होती है कि आम आदमी आप भी बोलो भैया सर जी हमें डर लग रहा है हमको जेट प्लस चाहिए, अरे ऐसा थोड़ी मिल जाएगी, ठीक है। चलिए तो इसका सही क्या हो जाएगा दोस्तों, दूसरा सही लगा, ठीक है। तो पहला गलत दूसरा सही, यानी दूसरा कथन मजबूत है क्या, पर कथन केवल दूसरा, ये आपका दूसरा वाला कहाँ है, डी नंबर पे है, तो केवल तर्क दूसरा मजबूत। देखिए अब ये भी एक चीज़ आप देख लीजिएगा, मान लिया आपको लगा कि पहला गलत है और दूसरा सही, केवल दूसरा सही है, तो आप ऐसा नहीं कि बी नंबर लगा के चले आओ, पहले भैया आँख मतलब कि आँख खोल के सही से देखना है कि अब दूसरा मजबूत किस में कह रहा है। कभी कभार ये खेल खेलता, देखिए जैसे इसी में खेल दिया, देखिए दूसरा वाला इसने डी पे पहुंचा दिया, तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन का कह रहा हमारा कि निम्नलिखित कथन को पढ़ें और जवाब दें, निम्नलिखित में से कौन सा तर्क मजबूत है? क्या सार्वजनिक जीवन में उच्च पद के लिए अवसर को 2 बार के लिए प्रतिबंधित किया जाना चाहिए दोस्तों? क्या 2 बार के लिए प्रतिबंधित किया जाना चाहिए, मतलब कि जो भी चीज़ें हैं दोस्तों सार्वजनिक जीवन में जो उच्च पद हैं उस पर केवल एक ही बार अवसर दिया जाना चाहिए, समझिएगा, क्या केवल एक ही बार अवसर दिया जाना चाहिए दोस्तों? अब देखिए क्या कह रहा, हाँ अन्य सक्षम प्रतियोगी को अवसर दिया जाना चाहिए दोस्तों। इससे क्या मतलब भैया, अन्य सक्षम प्रतियोगी को, अब देखिए मान लिया कोई उच्च पद निकले दोस्तों तो उसमें क्या होता, आप फॉर्म डालिए, आप भी पेपर दीजिए, किसी को रोका थोड़ी नहीं गया है, तो इसमें इसका कोई मतलब ही नहीं हुआ कि हाँ अन्य सक्षम प्रतियोगियों को अवसर दिया जाना चाहिए दोस्तों। आप सक्षम हैं तो आप पेपर दीजिए, क्वालिफाई करिए, ये तो नहीं कि किसी को और रोका गया भैया, सबको समान अवसर आई है अपने भारत में, तो ये तो बिल्कुल गलत रहा। अगला है, नहीं प्रतिभाशाली व्यक्ति लोगों को की सेवा करने के अवसर से वंचित होते हैं दोस्तों, ये भी बिल्कुल गलत है दोस्तों। ऐसा क्या है भैया प्रतिबंधित कर दिया जाएगा, मान लिया दो एक ही बार में दोस्तों आप निकाल लीजिए, ठीक है। ये भी गलत है दोस्तों कि प्रतिभाशाली व्यक्ति लोगों की सेवा करने के अवसर से वंचित होते, ऐसा भी नहीं है दोस्तों। आप बता तो रहे हैं आपको फॉर्म निकलेगा, जैसे मान लिया आपको यूपीएसआई पेपर देना है, ठीक है, तो आप भैया फॉर्म डालो, ठीक है, ऐसा थोड़ी किसी को रोका गया, आप फॉर्म डालिए, अगर आपके अंदर प्रतिभा है तो आप जाइए जॉब करिए दोस्तों। कहीं ना कहीं हमें दोनों के दोनों कथन गलत लग रहे हैं दोस्तों। तो देखिए पहला कथन दूसरा मजबूत है और दूसरा क्या है कि प्रथम मजबूत है, और दोस्तों तीसरा हम ऑप्शन दे रहे हैं कि दोनों मजबूत हैं, या फिर चौथा दे रहे हैं कोई नहीं मजबूत है दोस्तों। इनमें से कोई मजबूत नहीं है, पहला दूसरा कोई भी मजबूत नहीं है दोस्तों। तो हमारा चौथा ऑप्शन बिल्कुल राइट है दोस्तों। ये 22 दिसंबर का क्वेश्चन है, चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है कि क्या, अब देखिए 34 देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि कथन क्या है कि क्या भारत को केवल परमाणु ऊर्जा पर भरोसा करना चाहिए? देखिए समझिए, क्या भारत को केवल परमाणु ऊर्जा पर भरोसा करना चाहिए? अब देखिए क्वेश्चन ये थोड़ा सा डाउटफुल आपको लगेगा, ठीक है। देखिए क्या भारत को केवल परमाणु ऊर्जा पर भरोसा करना चाहिए? अब देखिए तर्क क्या कह दिया, तर्क समझिए, हाँ बिजली की मांग को मौजूदा संसाधनों से पूरा नहीं किया जा सकता। अच्छा एक चीज़ बताइए कि आपके यहाँ अभी जो बिजली है दोस्तों क्या वो पूरी नहीं है दोस्तों जितने? अब देखिए ऐसा थोड़ी ना कि बिजली की कमी हो रही भारत में कि भैया बिजली कमी हो रही है, ठीक है, बिजली पर्याप्त है, ठीक है, कोई भी चीज़ कमी नहीं है दोस्तों, ठीक है। हाँ देखिए अभी आपको पता होगा कि बिजली दोस्तों बाहर भी भेजी जाती है, ठीक, बना के बाहर भेजी जाती है। आपको पता होगा कि बिजली के पर्याप्त संसाधन है भारत में, जब थोड़ी ना कि केवल परमाणु ऊर्जा होगा, है ना, परमाणु ऊर्जा आएगा तभी हम बिजली बना पाएंगे। तो समझ जाइए दोस्तों ये तो बिल्कुल गलत कह रहा है कि हाँ बिजली की मांग को मौजूदा संसाधनों से पूरा नहीं किया जा सकता दोस्तों। भैया किया जा सकता और किया जा रहा है, कैसे नहीं पूरा होगा, किया तो जा रहा पूरा, है ना, बिजली मिल तो रही है सबको, ठीक है दोस्तों, ये तो बिल्कुल गलत हो गया।
दूसरा कह रहा है नहीं, अगर कोई दुर्घटना होती है तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। दोस्तों बिल्कुल सही है, आपको पता है परमाणु ऊर्जा से दोस्तों बहुत तगड़ी दुर्घटना हो सकती है, तो बहुत बड़ा नुकसान होगा अगर कोई दुर्घटना होती है, अगर कोई होती है। देखिए देखिए इसमें कहा नहीं गया कि हो ही जाएगी, अगर कोई होती तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, बिल्कुल सही। अगर हो जाती दोस्तों तो बहुत बड़ा नुकसान होगा, यानी कि हमारा दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। और ये भी दोस्तों 22 तारीख को पूछा गया क्वेश्चन, यानी दूसरा तर्क मजबूत है, तो दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि दोस्तों क्या भारत को राजशाही प्रकार का शासन अपनाना चाहिए और लोकतंत्र को छोड़ देना चाहिए। देखिए कैसा क्वेश्चन आ गया, कह रहा कि भैया राजशाही मतलब राजा वाला, जैसे कि ब्रिटेन में चलता है दोस्तों राजा है ना, राजा महाराजा, और लोकतंत्र छोड़ देना चाहिए। आप देखिए क्या कह रहा, तर्क तर्क देखिएगा, कह रहा हाँ देश में राजनीतिक अस्थिरता और संघर्ष से बचने के लिए यह आवश्यक है। दोस्तों तो आपको पता है दोस्तों कि हमें क्या है दोस्तों, हम क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा दोस्तों, और हम राजतंत्र को बिल्कुल भी दोस्तों लाइक नहीं करेंगे, क्योंकि दोस्तों राजतंत्र एक तरीके से शोषण वाला शासन होता है, तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये तो बिल्कुल गलत, हाँ हम इसको अपना ही सकते दोस्तों, राजशाही क्यों अपनाएंगे। ठीक है, अब दूसरा है दोस्तों नहीं, ये हमारे सामाजिक सांस्कृतिक जीवन को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेगा, बिल्कुल प्रभावित करेगा दोस्तों हमारे सांस्कृतिक और सामाजिक जीवन। क्या है दोस्तों कि भैया हम स्वतंत्र हैं है ना, हमारी चीजें अपने आप में एक अलग सी है दोस्तों। ठीक है, अभी हम रहकर देखे तो थे दोस्तों किसी गुलाम, ठीक है, तो ये चीज बिल्कुल सही है दोस्तों कि ये चीजें अगर हम दोबारा से राजतंत्र शुरू करते हैं दोस्तों, तो ये तो किसी ना किसी चीज में हमको प्रभावित करेंगे दोस्तों, सांस्कृतिक चीजों में प्रभावित करेंगे, सामाजिक चीजों में, हर एक चीज में प्रभावित तो करेंगे। तो दोस्तों बिल्कुल सही जाएगा दूसरा ऑप्शन, तो कहाँ है दूसरा मजबूत, सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है कि तर्क दूसरा मौजूद है दोस्तों। और ये देखिए 22 तारीख को पूछा गया क्वेश्चन भी है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों कि आजकल देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि आजकल कई राज्य अंतरराज्यीय जल साझा विवाद में उलझे हुए हैं, इनमें से कई विवाद वर्षों से अनसुलझे पड़े हैं, तो क्या भारत सरकार को सभी जल स्रोतों का राष्ट्रीयकरण कर देना चाहिए। दोस्तों अब देखिए समझिएगा, जैसे कि आपको पता है कि दो राज्य हैं, मान लिया दोस्तों दो राज्य हैं, मान लिया दोस्तों यूपी और हरियाणा, ठीक है, यूपी और हरियाणा दोस्तों, इनके बीच में चल रहा है क्या झगड़ा चल रहा है कोई जल को लेकर के दोस्तों। ठीक है, अब देखिए क्या हो, दोनों आपस में झगड़ रहे दोस्तों कि भैया हमें पानी चाहिए इसका, हमें चाहिए। अब देखिए समझिएगा एक चीज़ हम और समझाने की कोशिश करते हैं। मान लिया दोस्तों उत्तर प्रदेश और दोस्तों राजस्थान के बीच कोई झगड़ा चल रहा है, ठीक, राजस्थान के बीच कोई झगड़ा चल रहा है पानी को लेकर के, ठीक है, अब ये क्या होना चाहिए दोस्तों, तो क्या इसमें ये कहा जाएगा कि क्या इसको सुलझाने के लिए भारत सरकार को सभी जल स्रोतों को राष्ट्रीयकरण करने देना चाहिए। दोस्तों अब समझिए, इसे कथन देखते हैं, तर्क देखते हैं, हाँ इससे जल का इष्टतम उपयोग हो जा सकेगा और जो कृषि वर्षा पर निर्भर हैं उनमें तेजी से वृद्धि होगी। दोस्तों अब समझिए, अब समझिएगा दोस्तों बिल्कुल अच्छे समझिएगा, हिमालय दोस्तों हरियाणा सॉरी अपने उत्तर प्रदेश और राजस्थान में दोस्तों जल विवाद चल रहा है, ठीक है, और दोस्तों दोनों परेशान हैं, लड़ाई कर रहे हैं, दोस्तों इसका क्या राष्ट्रीयकरण कर देना चाहिए। अब देखिए राष्ट्रीयकरण कर देने का कहा गया है कि हाँ इससे जल का इष्टतम उपयोग हो जाएगा, बिल्कुल सही दोस्तों, अगर राष्ट्रीयकरण कर देते हैं, राष्ट्रीयकरण मतलब क्या, सरकार अपने अंडर में ले ले। देखिए मान लिया कोई नदी इधर से बह रही दोस्तों, तो उसको सरकार क्या करे, अपने अंडर में ले ले, केंद्र सरकार अपने अंडर में ले ले, तो क्या होगा दोस्तों दोनों के बीच में क्या होगा कि लड़ाई समाप्त हो जाएगी। पहली चीज केंद्र के अंडर में होगा लड़ाई समाप्त, और केंद्र क्या करेगा, मान लिया उससे लगता है दोस्तों राजस्थान को पानी ज्यादा जरूरत, क्योंकि वहां पर भैया क्या मरुस्थली टाइप का है, तो राजस्थान को ज्यादा देगा, और यूपी को थोड़ा कम जरूरत, तो दोस्तों यूपी थोड़ा ज्यादा देगा, ठीक है, तो इससे क्या होगा लड़ाई झगड़ा खत्म हो जाएगी। और दूसरी चीज क्या होगा कि दोस्तों जहां पर जो चीजें हैं, मान लिया कि कोई कृषि वर्षा पे आधारित है, तो वहां पर पानी मिल सकेगा ना, तो इसलिए दोस्तों हमें पहला ऑप्शन तो बिल्कुल सही लग रहा है, आपको भी लग रहा होगा, ठीक है, मगर दूसरा क्या कहा है, हाँ यह अनेक अंतरराज्यीय समस्याओं का एकमात्र हल। दोस्तों हमने बताया था शुरुआत में कि भैया कहीं भी एकमात्र केवल मात्र ऐसे सेंटेंस आते हो तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, कोई चीज एकमात्र उपाय नहीं होता दोस्तों, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा ये, तो पहला ही ऑप्शन केवल सही है हमारा। देखिए 13 दिसंबर का पेपर है, तो केवल और केवल एक ही मजबूत है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्या कह रहा है कि क्या सरकार को सभी सार्वजनिक स्थलों पर कार्यस्थलों पर सीसीटीवी लगाना अनिवार्य कर देना चाहिए। दोस्तों देखिए समझिएगा, ये कहा जा रहा है कि सरकार को भैया सार्वजनिक स्थलों पर, सार्वजनिक स्थल का दोस्तों जहां पर सबके लिए खुले हुए ना, और दोस्तों कार्यस्थलों पर सीसीटीवी कैमरा लगवाना चाहिए। दोस्तों अब देखिए क्या कह रहे हैं, हाँ इससे सार्वजनिक सुरक्षा के स्तर में सुधार होगा। दोस्तों इससे क्या सार्वजनिक सुरक्षा के स्तर में सुधार होगा। दूसरा तर्क क्या कह रहा दोस्तों, दूसरे तरह की तरफ अगर हम बढ़ते हैं, दूसरा कह रहा नहीं निजता लोगों का अधिकार है और सीसीटीवी लगाना उसके दखलंदाजी होगी। मेरे दोस्तों समझिएगा,
अब देखिए क्या कह रहा कि भैया अगर हम सीसीटीवी लगाते हैं तो इससे सार्वजनिक सुरक्षा इस तरह वृद्धि होगी। बिल्कुल भैया, मान लिया कि कहीं किसी पार्क में दोस्तों सीसीटीवी लगा दिया गया पार्क में और वहां पे कोई चोरी होती है या फिर कुछ चीजें होती है दोस्तों, लड़ाई झगड़ा होती है, तो उससे क्या होगा दोस्तों, सार्वजनिक स्तर में सुधार तो होगा। भैया लोग लड़ाई कर रहे हैं या फिर किसी को दोस्तों कुछ करने जा रहा, तो कम से कम एक चीज देखेगा, सीसीटीवी देख रहा है, ठीक है, ये तो बिल्कुल सही है। हाँ बिल्कुल सही। अब दूसरा देखते हैं, नहीं, निजता लोगों का अधिकार है और सीसीटीवी लगाना उसमें दखलंदाजी होगी। दोस्तों एक चीज हम मानते हैं कि निजता अधिकार है, मगर दोस्तों इसमें थोड़ी रहा कि आपके बेडरूम में लगा देगी सरकार या फिर आपके घर में लगा देगी। भैया ये लगा कहाँ रही है, सार्वजनिक स्थलों पर कह रही बात, सार्वजनिक स्थल, सार्वजनिक स्थल से आपका निजी, ठीक है, निजता अधिकार आपका जब हनन होता है, जब आपके घर में लगा देती है, आपके बेडरूम में, आपके घर में लगा दोस्तों, तब तो सार्वजनिक मतलब कि आपके निजता का अधिकार का उल्लंघन होता। मगर दोस्तों ये सार्वजनिक क्षेत्र में सबके लिए लगा रहे हैं दोस्तों, तो इसमें कौन सी आपकी आफत पड़ी, ठीक है, तो बिल्कुल गलत जाएगा, हमारा ए ऑप्शन सी सही हो जाएगा दोस्तों। 13 दिसंबर को पूछेगा क्वेश्चन है, यानी तर्क ए मजबूत है। चलिए अगला देखते हैं कि देखिए केंद्र सरकार को भारत में फांसी की सजा समाप्त कर देनी चाहिए। देखिए बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, देखिए क्या कह रहे हैं कि केंद्र सरकार को भारत में फांसी की सजा क्या है, इसको समाप्त कर देना चाहिए दोस्तों। इसको आपको बताना कि क्या समाप्त कर ही देना चाहिए फांसी सजा को दोस्तों, ठीक है। अब देखिए कथन क्या कहते हैं, कथन पहला दोस्तों थोड़ा बड़ा है, इसको आराम समझ लीजिएगा, कि हमेशा के लिए मौत की सजा हटाए जाने से पूर्व नियोजित, क्या पूर्व नियोजित जघन्य अपराधों के दोषियों में इस तरह के अपराधों को में बार बार लिप्त होने का साहस बढ़ा देगा, इसलिए मौत की सजा पूरी तरह से हटाने के बजाय इसके चयनात्मक और विशेष परिस्थितियों में इस्तेमाल का मामला ज्यादा मजबूत है दोस्तों। बिल्कुल सही बात कही दोस्तों, कि मान लिया भैया हम क्या करेंगे, मौत की सजा को हटा देंगे दोस्तों, तो कुछ ना कुछ क्राइम जो दोस्तों जो अपराध करने वाले उनके मन में हौसला बढ़ेगा, भैया कि फांसी सजा तो हो ही नहीं सकती, ज्यादा क्या होगी, उम्र कैद होगी, फांसी तो होगी नहीं ना, तो दोस्तों इससे अच्छा है कि मौत की सजा ना हटाया। देखिए और देखिए बहुत अच्छी बात कह दी गई कि मौत की सजा पूरी तरह से हटाने के बजाय दोस्तों, मतलब पूरी तरह से मत हटाइए, मगर चयनात्मक और विशेष परिस्थितियों का इस्तेमाल में ज्यादा मौजूद होना चाहिए, मतलब चयनात्मक मतलब जिसको फांसी सजा दी जा रही है उसको अच्छे से चयन करिएगा कि कहीं उसको गलत तरीके से फांसी ना दी जाए, मान लिया निर्दोष हो उसको फांसी दे दी जाए, कहने का मतलब क्या कि फांसी को खत्म मत करिए एकदम से दोस्तों, मगर जिसको फांसी देनी उसके साथ सही से चयन कर लीजिए कि वो कहीं निर्दोष तो नहीं है। ये बिल्कुल और बिल्कुल अच्छा उदाहरण लगा दोस्तों, एकदम सही भी है, कहीं ना कहीं आपको भी अच्छा लगा होगा। चलिए अगला है, मौत की सजा खुद ही राज्य द्वारा अपने आप में एक जीवन लिए जाने के बराबर है जो एक जघन्य अपराध माना जाता है, इसलिए इसको समाप्त कर दें। भैया बिल्कुल नहीं, भैया अगर दोस्तों मतलब कि भय बिन प्रीत नहीं होती, आपको पता होगा कि बिना डर के प्रेम भी नहीं होता दोस्तों, और ये जघन्य अपराध थोड़ी ना भैया, मौत अगर सजा दी जा रही है मौत की, तो कहीं ना कहीं उसने भी तो अपराध किया है, तो ये तो बिल्कुल से गलत हो जाएगा दोस्तों। तो हमें पता चला कि पहला ही ऑप्शन सही है दोस्तों, तो हमारा क्या हो जाएगा, तर्क ए सही है, ठीक है, तर्क ए बिल्कुल सही दोस्तों। 15 दिसंबर को पूछा गया क्वेश्चन है, 15 दिसंबर 2017 को दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो दोस्तों आपको ठीक है। अब देखिए एक लास्ट क्वेश्चन आज का, टोटल 10 क्वेश्चन हमने दिए थे। देखिए अगला है, यदि परिवार के पास हमारे जीवन को चलाने के लिए पर्याप्त धन है तो क्या हमें काम पर जाना बंद करने चाहिए। भैया ये कौन सी राशि वाली बात कर रहा है भैया, कि अगर परिवार के पास अगर मतलब देखिए 19 तारीख का क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि यदि परिवार के पास हमारे जीवन को चलाने के लिए पर्याप्त धन है तो क्या हमें काम पर जाना बंद करने चाहिए। भैया मान लिया आपके पास, आपने 1 लाख रुपये कमा लिए, तो आप क्या कहोगे, भैया हम काम पर नहीं जाएंगे। अरे भैया काम पर जाओ, काम पर जाओ भैया, नहीं तो ये कब तक चलेंगे भैया, खत्म हो जाएंगे, मान लिया कोई 1000 बीमारी हो गई तो फिर ऐसे मर जाओगे, ठीक है। इसलिए कभी भी पैसे ज़्यादा हो जाए तो ऐसा मत करना कि काम पे जाना बंद कर दो, भैया हम नहीं बैठे खाएंगे शांति से, ऐसा नहीं, ठीक है। अब देखिए कि तर्क क्या कह रहा है, हाँ क्योंकि परिवार को खिलाने के अलावा काम करने का कोई अन्य उद्देश्य नहीं। अरे भैया का खाली खान के लिए कमाया जाता है क्या, अरे बच्चे पढ़ाओगे, बीबी का भी खर्चा होगा, मेकअप करेगी, तो भैया ये तो बिल्कुल गलत है। क्या कह रहा कि हाँ क्योंकि परिवार को खिलाने के लिए के अलावा काम करने का अन्य कोई महत्वपूर्ण उद्देश्य नहीं है, बिल्कुल गलत है दोस्तों। बच्चों को पढ़ाना भी तो है, ये तो आप कोई बता देगा ये तो बिल्कुल गलत है, ठीक है। दूसरा क्या है, नहीं फिर हमारे पास नई चीज़ों के बारे में अवगत होने का मौका नहीं मिलेगा दोस्तों। देखिए ये तो बिल्कुल सही दोस्तों, अगर हम कमाएंगे नहीं तो हम नई चीज़ें नहीं कर पाएंगे, ठीक है, तो बिल्कुल सही दोस्तों। दूसरा है तो यानी हमारा क्या है दोस्तों, दूसरा तर्क मजबूत है, केवल दूसरा तर्क मौजूद है, मजबूत है दोस्तों, हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट। और दोस्तों आई होप कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा। अगर आप कहते हैं दोस्तों इसके हम और जो क्वेश्चन बचे हैं, हमने 10 क्वेश्चन अभी शामिल किए हैं, तो इसी तरह 10 करके दोस्तों 1-2 पार्ट में हम इसको पूरा कंप्लीट कर देंगे दोस्तों। उसके बाद हम कथन और पूर्वानुमान देखेंगे, और कथन और तर्क दोस्तों देख चुके हैं, कथन और पूर्वानुमान देखेंगे, इसके अलावा दोस्तों बहुत चीजें हम देखेंगे अगर आप कहते हैं तो, अगर आप साथ देते हैं तो। चलिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।